कबीर गुरु भली बुझाई। कहे कबीर, कहे कबीर गुरु पली बुझाई। गुरु पली कहे कबीर किटी होए चूर्ण Huh.
हर है रेत में बिखरी हाथी चुनी ना जा हाथी चुनी ना जा गुरु भली बुझाई गुरु भली बुझाई किटी गुरु भली बुझाई कहे कबीर कहे कबीर गुरु भली बुझाई कहे कबीर कहे कबीर कहे कबीर गुरु भली बुझाई गुरु भली बुझाई पुलाव बुड़े बुरी भुलाव बुड़े बुली भूल भूल पछोताड़ी पुरी पुरी मैं फिर गुरु भली बुझाई पुरी पुरी मैं फिर पादर कहे ना को पादर कहे ना को पूछो जाए सियानिया पूछो जाए सियानिया मेरा दुख काटे को पूछो जाए सयाने आ भूली भूली मैं पीरा भूले मार्ग जिने बताया कहे कबीर गुरु भली बुझाई जिने बताया ऐसा गुल ऐसा गुल पूरी बुझाई ऐसा गुल भूले को भूले को गुरु मार्ग पाया गुरु भली बुझाई जीवन
एक ऐसा जंगल का रास्ता है, जे कोई अनजान उस जंगल दे राह विच पटक जाए मंजिल किवें मिले। हर कदम ते कुछ जानन दी लोड़ पैंदी, ते जंगल दे रस्ते तो अनजान होना ता बदकिस्मती है। जीवन दा हर पहलू कदी मनुख अंदर चात मारे ता एक सच्चाई है कि मनुखी जीवन दा हर पहलू एक बुझारत है, जिसनू सारी जिंदगी मनुख बुझदा रह जांदा है। भावें वह राजनीतिक है, भावें वह धार्मिक है, भावें वह गृहस्थी है, जीवन भर उनू कुछ बुझण दी जानण दी लोड़ पैंदी, क्योंकि हर रस्ता बिखड़ा है, आसान कोई नहीं, सौखा नहीं, जीवन सौखा नहीं। ते जिथे बुझारत होवे उथे तवज्जो विचार ज्यादा मंगदी है, बाकी आम चीजा ते बड़ियां छोटियां ने। जेड़ा अज दा जिक्र बाबा कबीर जी ने कीता है, कहिंदे ने रब भी एक बुझारत है, और सब तो औखी बुझारत है, जिस बुझारत नूं बुझदियां बुझदियां एक दो चार दस नहीं कई कोट नवतन नाम दयावे, नानक करते का अंत न पावे। सिद्ध नाथ जोगी जंगलों में रह के पंडित विद्वान दिन रात लिख पढ़ के वेदां दे ज्ञाते सारा जीवन भर गुजार गए, पर आखिर ते हाथ खड़े कर गए। रब एक ऐसी बुझारत है। हुन बाबा कबीर जी ने अज उस बुझारत का जिक्र किया, कहिंदे ने बड़े आसानी नाल मैं तुहाडे सामने कुछ रखना चाहना। बुझारत हमेशा होंदी जिथे लफजां दा जा हालातां दा ऐसा संजोग बना लिया जाए कि मनक सोची पै जाए इधर जावां कि इधर जावां। कहिंदे ने रब एक ऐसी बुझारत बनाई बनी जिंदा संजोग अजीब किस्म दा सी। ਉਹ ਸੰਯੋਗ ਸੀ ਰੇਤ ਦਾ ਤੇ ਖੰਡ ਦਾ। ਲਓ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਹੈ ਖੰਡ ਰੱਬ ਖੰਡ ਤੇ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਕਿਹੜਾ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। रेत किथे ते खंड किथे, आखिर दोवां चीजां नूं समझना पाएगा रब दी पछाण लई। जिहड़ा रेत नूं नहीं पछाण सकेगा खंड नूं नहीं पछाण सकेगा, वह दोवां नूं वख करके रस नहीं माण सकेगा। इसलिए किसे ने भी खंड दा रस माणना है ते उहनूं पछाण दोवां चीजां दी होनी चाहीदी है, खंड की है ते रेत की है। अज का बाबा कबीर जी का यह श्लोक बड़ी तवज्जो मंगता है। कहन लगे हर है खांड
रेत मैं बिखरी, रेत की है गुरु कहते ने मृत मंडल जग साजिया ज्यो बालू, बालू रेत नू कहते ने। इस संसार की है एक बालू रेत है, क्यों? क्योंकि बिनसत बार ना लग गई, बारू की भीत जैसे वसुधा को राज है, बारू भीत बनाई रचपच, बड़ी खूबसूरत महल कोई बनाए ते बनाए रेत दा, उन्दे ते किन्ना का भरोसा हो सकता है? उते हुण भी नहीं, कड़ी पल बाद भी नहीं, ते जेड़ा उन्दे नाल मिक्स है वो आद सच जुगाद सच है, खांड हर है खांड, दोन भी पछाण है। कह लगे रेत दी हालत है वो बिनसदा है, कदी टिकदी नहीं, ते खंड दी हालत है जेड़ी रेत नाल मिक्स तो हुई है, पर दोहां दा फर्क जानना जरूरी है, क्योंकि संसार रेत है, बारू की भीत जैसे वसुधा को राज है, मृत मंडल जग साजिया ज्यों बालू घर बार, संसार रेत है, ये रहना नहीं, इंदे ते भरोसा कोई नहीं, रेत है। पर रब आज सच है, बैठा रेत विच है, संसार विच निरंकार रहिंदा है, असीं आखने कुदरत करके वस्या सोए, दूजी कुदरत साजिए कर आसन डिठो, उन्दे विच बैठा है, रेत विच खंड बैठी, दोहां दा संजोग अजीब किस्म दा है। हुण जे किसे ने रेत नू ते खंड नू पछाणना होवे ते दोहां दा अंतर समझना जरूरी है। ओ ए कि रेत स्थूल है, स्थूल कोई चीज भी है उन्दे ते भरोसा नहीं, संसार स्थूल है, दिसदा है, जिहड़ी चीज दिसदी है जो दिसे सो सगल विनाशे। बल्कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी अंदर एक शब्द है जिंदे लफज ने कहंदे ने जेड़ी चीज तू देख रहे है दद्दा देखे बिनसत हारा, जेड़ी चीज तू देख रहे है वह सारी बिनस बिनस जान वाली, कोई चीज देखने वाली जिहड़ी है वो बिनसनहार है। गुरबाणी है कहन लगे दद्दा देखे बिनसनहारा, अगे कहंदे ने जस अदेख, जिहड़ी चीज अदेख है वो स्थूल नहीं दिसदी नहीं, अदेख है दिसदी नहीं, जस अदेख तै राख बिचारा, ओ आप स्थूल नहीं सूक्ष्म है जिहड़ी अदेख है, जिहड़ी चीज दिसदी नहीं, इहदा मतलब इन्नी सूक्ष्म है कि वह दिसदी भी नहीं। कहिंदे जिहड़ी चीज दिसदी नहीं ओ उहदा घर उहदे रहण लई टिकाणा भी तां अदेख ही चाहीदा है जिहड़ा दिसदा ना होवे। इसे लई हालांकि गुरबाणी अंदर यह आ गया तन मैं मन, तन दे विच मन है, तन मैं मनुआ मन मैं साचा, असीं कहने हारक दे विच रब रहिंदा, रब सिद्धा तन विच नहीं रहिंदा क्योंकि तन तर दिसदा है, रेत है, सिद्धा तन विच नहीं रहिंदा, तन विच उन्हें अपना घर एक वखरा मन बनाया है, वो देखा है,
तां डॉक्टर ऑपरेशन करदे ने उन्हां नूं ये नहीं रब नहीं लभदा मन भी नहीं लभदा मन नूं भी देखे देखिया नहीं जा सकता। गुरु ने बाणी विच कह दिता कहने कहन लगे सनकादिक नारद मुन सेखा तिन भी तन मैं मन नहीं पेखा। गुरबाणी अंदर हर एक चीज का जवाब है और बड़ा स्पष्ट किया ने कह लगे सनकादिक नारद मुन सेखा तिन भी तन मैं मन नहीं पेखा इस मन को कोई खोजो भाई तन छूटे मन कहां समाई। हर गल बुझा रहे थे मन को के सूक्ष्म है तन सूक्ष्म नहीं कोठरे में कोठरी उस कोठरी जड़ी है तन दे विच जड़ा मन है उन्दे विच फिर है विचार तीजी क्योंकि मन विचार दा केंद्र है तन विहार दा केंद्र है। मन विचार दा केंद्र हुण करके उन्दे विच विचार है ते विचार नूं ताला लगा होया है उन्हूं उन्दा दरवाजा खोलना क्यों अपनी दसा तो बाणी अंदर कह दिता गुर कुंजी गुरु ताला खोलन वाली कुंजी है। एहो कारण है कि गुरमत विच ते ब्राह्मणिज्म विच एक बड़ा नज़दीकी वखवा है जिहड़ा समझना है। ब्राह्मणिज्म ने हर एक चीज धर्म की जिहड़ी है वह दिसन वाली बनाई है। तीर्थ ने होम जग पूजा ने भगवान है वेद शास्त्र ने सब चीज दिसन वाली पर गुरमत सिद्धांत जिहड़ा है वह कहिंदा रब भी नहीं दिसदा। पिछले दिनां तो कही सी नदरी आवे तो सो हे मेरे रब मैं तेनू किवें मिला क्योंकि तू दिसदा नहीं जिहड़ियां चीज़ां मैनू दिसदियां ने मेरा उन्हां नाल मोह पै जांदा। कहन लगे नदरी आवे तो सो मोह क्यों मिलिए प्रभ अविनाशी तो है तेनू किवें मिला तू दिसदा नहीं। मनुख नूं सुभाए जिहड़ी चीज़ दिसदी होवे उहदे नाल जुड़दा है। ब्राह्मणिज्म ने हर एक चीज इसे लिए दिसदी बनाई लोगों की एकत्रता करके। गुरु नानक ने यो ही भुलेखा दूर किया कि रब सूक्ष्म है वह दिसदा नहीं जो अगे जस अदेख तैराख बिचारा जिहड़ा अदेख है वह केवल विचार विच निकलता है टिकता है कोठरे में कोठरी परम कोठी विचार उस विचार विच निरंकार है। गुरदीनी वस्तु कबीर को लेवो वस्तु संभाल है इनू संभाल लै मैं विचार विच रख के दित्ती है। अज दा साडा दुखांत की असी विचार नालों टुट रहे हैं। गुरु कहिंदे ने सब कुछ है ही विचार विच क्योंकि विचार जिहड़ी है ओह ही सुरत है सुरत ना होवे ते विचार भी कोई नहीं ते सुरत ही दसवां द्वार है जिसनों आप कहने दसवें द्वार कुंजी जब दी जाए तो दयाल को दर्शन की जाए। गुरबाणी दसवें द्वार विच सुरत विच गुरु की कुंजी जानी है ते गुरु है शब्द जिनू आप कहने शब्द ते सुरत का मेल क्योंकि सुरत विच जिन्नी देर शब्द की कुंजी नहीं लगती दोनों सूक्ष्म ने सुरत भी नहीं दिसदी ते शब्द भी नहीं दिसदा। गुरु ने सारिया चीज़ा सूक्ष्म पैदा कीतियां ने जिहड़ियां दिसदियां नहीं जै जब अदेख जस अदेख तै राख विचारा। हुण दोहां नूं विचार नाल कदी देखिए तां जिहड़ी रेत है वह सथूल है विचार नहीं सूक्ष्म नहीं वह खुरदी भी नहीं ते जिहड़ी खंड है वह भावें दिसदी नहीं उंदी क्योंकि उंदा गुण मिठास है। मिठास जिहड़ा है
उनका गुण है, उसने इतना संभाल के रखे होया, पानी विच पाओ खंड किधर गई नहीं दिसदी, वो मिट गई। पर एक ख्याल करो, जिहड़े उनका गुण है वह नहीं मिटिया, मिठास है, मिठास भी दिसदी नहीं। पानी मिठा है सानू की पता, अनुभवता जबान ने करना है, सुरत ने करना है। जदों पहला घुट भरांगे उदों ही पता लग जाएगा ये पानी मिठा है, इंदे विच खंड कोली होई है, नहीं तो खंड दी होण दा पता ही कोई नहीं, इन्नी सूक्ष्म है। हुण रेत दे विच होंदिया होया खंड सूक्ष्म है, उनका गुण सूक्ष्म है, जिहड़ा केवल एहसास बन सकता है, देखने विच नहीं देखे। मिठास भी कदे किसे ने देखी है? मिठास जबान एहसास करती है तो वह कहती नहीं मिठा है, पानी मिठा है, इंदे विच जरूर खंड है, खंड नहीं दिसदी। हुण रब दी भी इहो पोजिशन है, रब है खंड, इत्थे लफ़ज़ कहता ने हर है खंड, रेत में बिखरी, रेत विच बिखर गई खंड। ते जे खंड दा एहसास करना होवे ते किवें करे, उस रेत नू पानी विच पा देवे, पानी विच पा देवे, की होएगा? रेत नहीं मरेगी, वो दिसेगी, वो बह जाएगी। ते खंड उनका गुण प्रगट हो जाएगा क्योंकि पानी मिठा हो जाएगा। एड्डी गहराई है गुरबाणी विच। कहिंदे ने एक गल एक समझ नहीं पाएगी कि एक दोहां विचों सूक्ष्म है एक स्थूल है। सूक्ष्म एहसास नाल देखिया जाता है, स्थूल अखां नाल देखिया जाता है। हुण सूक्ष्म नूं जे आपां देखना है, लभना है, ढूंढना है, पकड़ना है, तां जरूरी है जिंदे कोल एहसास होवे, जिंदे कोल एहसास नहीं। हुण कीड़ी दा एक सुभाअ है, उंदे कोल एहसास है, उंदे कोल खंड नाल प्यार है, हाथी दा खंड नाल प्यार नहीं। दोहां दा फर्क है, बल्कि मैं तो कह रहा हूं आप इतिहास के कई वर्कियों पढ़ लो, इतिहास के कई पक्षों तुसी देख लो, हाथी नू शराब पिलाई जाती है, हाथी मस्त रहता है, उनका कुड़त्तन नाल प्यार है, तो खंड कीड़ी खा शराब नहीं पीती, वो कुड़त्तन नाल प्यार नहीं रखती, उनका एहसास मिठास नाल है। ये तो साढ़े सामने चीज़ा जिहड़ी असीं रोज़ जीवन में देख सकते हैं और आसानी नाल बाणी नू समझ सकते हैं। हुण जिंदे अंदर मिठास नाल प्यार है, एहसास है, वो उस खंड रेत विच्चों भी खंड नू खंड समझ के नहीं मिठास समझ के चूसदी है। कीड़ी दा संबंध खंड नाल नहीं मिठास नाल है, मिठास एक गुण है। ते सतगुरु अपनी रसना तो कहते हैं रब का की गुण है। अब अबे थामो मिठड़ा गुसाई महिंडा इठड़ा अम मां अम्मा अब्बा पिता अब्बा इस्लाम दी बोली विच पिता नू कहिंदे ने अम्मा मां नू कहिंदे ने। कहिंदे ने संसार अंदर जे सब तो मिठा रिश्ता है तां ओ है अम्मा ते अब्बा दा, जिहड़ा अपना सब कुछ वार दिंदा है अपने बच्चे दी संभाल ते उन्नू निप जाउण लई। पर मेरा रब उदों भी ज्यादा मिठा है, कारण की अम्मा अब्बा नू फिर पिछे कोई लोभ लालच खड़ा है
के वड्डा होवेगा, मेरा बांह बेली बनेगा, मैनू कमा के खुआएगा, मैं हुण इहदी सेवा करां। गुरबाणी ने कहा, कहन लगे ज्यों माता गर्भ पालती, ज्यों जननी गर्भ पालती, सुत की कर आसा। आसा तो है, देखण वाली चीज है ना। एक होर ख्याल करो, हर चीज जिहड़ी दिसदी है उनदे विच्चों ही आसा तृष्णा पैदा हुंदियां ने, जन्म लैंदियां ने। अज नहीं है ना, सतगुरु ने बाणी विच क्यों आख्या है कि जिस दिन मन मरदा है आसा मर जांदी है। क्यों? क्योंकि दिसदी चीज जिहड़ी है वह आसा सी। अपने आम जीवन विच आसा तृष्णा का मतलब ही देखने तो जन्म लेना है। गुआंढी की कोठी बड़ी खूबसूरत है, मन अंदर एक इच्छा आसा पैदा हो गई, मैं भी योजी कोठी बनावा। चैन नहीं आ रहे, नींद नहीं आ रही, मेरी कोठी उनके नाल छोटी है, बनावा। हुण जे नहीं बना सकता कि तो चोरी करा, करप्शन करा, कोई ठगी करा, बनावा। पर खरे जे सारिया ही कखा दियां कुलियां होंदियां तो उन्हों भी आसा ना पैदा होंगी, उन्हें देख लिया ना कोठी। जेड़ी चीज भी दी इच्छा पैदा होंगी, इच्छा हमेशा पैदा होंगी है देख के। ते संसार दे जिन्ने गुणा जेड़े इच्छा विच्चों जन्म लै रहे ने, चोरी चोरी करदा तां कोई इच्छा रख के, कोई दिन रात मशक्कत कर रहा है, रातां जाग रहा है, तां कोई इच्छा, इच्छा विच्चों ही सारा कुछ पैदा हुंदा है। ते इच्छा बनती ही देख के है, जे देखण नूं कोई चीज़ ना होवे ते इच्छा कोई नहीं। जदों जंगलों में रहिंदे सन लोग, उदों कदी इच्छा सी? क्योंकि देखण नूं कुछ नहीं सी। ज्यों ज्यों पदार्थवाद दुनिया अंदर आसी, रोज़ एडवरटाइजमेंट क्यों करते हैं अपने किसी प्रोडक्शन की? ताकि कोई देखे, देख के इच्छा पैदा होगी। जिहड़ी चीज देखने वाली है वह इच्छा पैदा करके गुनाहों नूं जन्म दिंदी, बस संसार का कारण है। तो रब देखण वाला नहीं, वह मानने वाला है। जिवें खंड भी मिठास मानी जा सकती है, दो मिनट तुसी पानी च रख दियो, खंड कोई नहीं। दो मिनट पानी च रख दियो, रेत ते पा खंड मिली हुई रख दियो, उन्दे च रेत तां दिसेगी, वो अपना स्थिर है, स्थूल है, खंड कोई नहीं, सूक्ष्म है, दिसन वाली नहीं, एहसास करन वाली नहीं। ते बाबा कबीर जी ने यो गल आखी, कहन लगे हाथी दे हिस्से खंड नहीं आई, हाथी दे हिस्से खंड नहीं आई, वो कीड़ी दे हिस्से आई है। क्योंकि कीड़ी खंड दा स्नेह करदी है, खंड दा एहसास करदी है। भलिया जे तू कीड़ी वाली सूक्ष्म बिरती बना के उस मालिक दी मिठास दा एहसास करेगा, तद रब मिलेगा ना, संसार विच्चों ही मिलेगा। इन्हें कितों बाहरों, रेत विच ही खंड है, पर हाथी नहीं चुन के खा सकदा उन्दे विच्चों, उन्दे चों कीड़ी जिंदा केवल मिठास नाल संजोग है, वो उस रेत विच्चों चुन के खा लेंदी है, खंड नहीं मिठास, क्योंकि मिठास नाल संबंध है। ते बाबा कबीर कहंदे ने, मैनू एक गल मेरे गुरु ने समझा दिती, संसार रेत है, इहदे च कोई शक नहीं, दुनिया रेत है, इन्हें हमेशा इहदा घर बनिया होया, हमेशा नहीं रहना है, रेत वांगू बारू की भीत है। पर जे तू कीड़ी वर्गी मिठास नाल स्नेह करन वाली बिरती लै के इस संसार विच ही निगाह मारेगा, तैनू अंदरों ही रब मिल जाएगा। जिवें कीड़ी नू उस रेत विच्चों ही मिठास मिल गई, उन्हें मिठास संभाल ली। ये गल बाबा कबीर कहिंदे ने, मैनू गुरु ने बुझा दित्ती
ਇਹ ਬੁਝਾਰਤ ਮੇਰੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਬੁਝ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਭਲੀ ਬੁਝਾਈ, ਗੁਰ ਭਲੀ ਬੁਝਾਈ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਭਲੀ ਬੁਝਾਈ, ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਕੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਗ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹਰ ਹੈ ਖਾਂਡ ਰੇਤ ਮੈਂ ਬਿਖਰੀ ਹਾਥੀ ਚੁਣੀ ਨਾ ਜਾ ਹਾਥੀ ਚੁਣੀ ਨਾ ਜਾ ਗੁਰ ਭਲੀ ਬੁਝਾਈ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਭਲੀ ਬੁਝਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਕੈ ਐਸੀਆਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਹੀ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭੁੱਲੇ ਕੋ ਗੁਰਮਾਰਗ ਪਾਇਆ। ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਲਝਣ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਅਡੰਬਰ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਮੈਂ ਕਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਜਿੰਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਧਰਮ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਬੁਝਾਰਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਹੀ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇਖਿਆ? ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ, ਜੇ ਕਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁਝਾਰਤ ਬੁੱਝ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਵੰਡੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੰਡੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿਆ ਫਿਆ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ, ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੀੜੀ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਰੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਢੂੰਡ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।